नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आने वाला है जून महीना, तो मैं अभी से आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और देखूंगी सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए। तो हमारे जो मीन राशि वाले हैं, उनका लव रिलेशनशिप, उनका कैरियर, उनके जीवन में क्या चल रहा है, हेल्थ कैसी है और एंजल गाइडेंस उनके लिए क्या मिल रही है, टैरोट रीडिंग्स है मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मीन राशि वाले जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हों, जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो नए लोग जुड़े हैं वो अगर वीडियो अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, कार्ड मिक्स करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मीन राशि वाले हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और उसमें आपको अंत तक आपके कोई भी प्रश्न का उत्तर रह जाता है जो नहीं मिलता है, तो अंत में मैं यस और नो के लिए भी कार्ड निकाली हूँ। यश और नो के लिए जो कार्ड निकालूंगी उसमें आपको कुछ ना कुछ आंसर डिवाइन की तरफ से मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ कार्ड को आपके सामने ही मिक्स करूंगी। मीन राशि वालों, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, कार्ड को मिक्स करते हुए देखती हूँ। जून महीना जो आगे आने वाला है, या आप अभी से, आज से भी अपनी एनर्जी यहाँ पर ले सकते हैं। आज से लेकर जो अगला पूरा जून महीना है वहां तक की एनर्जी आप इसमें देख सकते हैं। अभी जितने दिन इस महीने के भी बचे हैं या आगे का पूरा एक महीना, मीन राशि वालों की एनर्जी क्या होगी, स्पिरिट गाइडेंसर्स, किसी भी निगेटिव एनर्जी से बचाते हुए डिवाइन एनर्जी के माध्यम से बताइए कि मीन राशि वालों की आगे की एनर्जी, मीन राशि वालों की लव रिलेशनशिप में आगे की एनर्जी, मीन राशि वालों की लव रिलेशनशिप में आगे की एनर्जी, मीन राशि वालों की लव रिलेशनशिप में एनर्जी, मीन राशि वालों की लव रिलेशनशिप में एनर्जी। तो देखिए, मामला रिलेशनशिप के मामले में नहीं कहूंगी हर किसी के लिए, कहीं कहीं पर तो लड़ाई झगड़ा होके मैटर निपट गया है, लेकिन ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। जैसे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या आया है कि आप किसी चीज में बहुत उलझनों में पड़े हुए थे, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मूव कर जाना चाहिए, बहुत तंग आ गए हैं कुछ चीजों से, क्योंकि आप ना शांति प्रिय होते हैं, सरल होते हैं, जल तत्व यानी जल में रहने वाले होते हैं, आपको बहुत लड़ाई झगड़ा बवाल ये सब चीजें इतनी पसंद नहीं आती हैं। तो अगर आप किसी उलझन में थे तो उससे निकलना चाहते हैं, अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपने हर चीज को वक्त पर छोड़ दिया है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आपने धोखे खाए, तकलीफें देखी है, प्रॉब्लम देखी है, पीठ पीछे अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, ठीक है, पीछे से वार किया है आपके ऊपर। तो एक पिछला समय जो गया है वो बहुत संघर्ष में रहा है, तो अब आप किसी के साथ कुछ भी डील करने को उस तरह से तैयार नहीं है। अच्छे से आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है अभी से लेकर जून महीने तक की एनर्जी है। यहाँ पर कोई वाद विवाद हो सकता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है। अभी देखिए, रिलेशनशिप का मामला सिर्फ लव अफेयर से रिलेटेड नहीं होता है, फैमिली होती है, परिवार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पति पत्नी होते हैं, माता पिता होते हैं, फिर प्यार मोहब्बत भी होता है। तो सब मिलाकर यहाँ कोई वाद विवाद मुझे कहीं पर भी होता दिखाई दे रहा है, ये सब शॉर्ट्स दिखाता है। और इसके कारण आप जून महीने में कोई एक पुख्ता, एक होता है मजबूत, कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं अब तो ये ऐसा करना ही करना है, ठीक है। आपको ये भी लग रहा है कि चलो जो कुछ बिगड़ा है उन चीजों को ठीक कर लिया जाए, तो एक प्रयास भी एक तरह से आप कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रयास में आप लंबे समय से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि रिश्ते को ठीक कर लिया जाए, तो उसमें कुछ कुछ चीजें पनपी हैं। तो रिकंसिलेशन, अगर आप एक लव अफेयर में हैं तो वहां पर रिकंसिलेशन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं बना लें, मिला लें, सब ठीक कर लें, लेकिन हो क्या रहा है कि उसके बाद भी आपका इन सारी चीजों से दिल भर गया है, आप उदास हो गए हैं, निराश हैं। तो हो सकता है कि आप इस रिश्ते से मूव करने की भी कोशिश करें। मन दो तरह से चल रहा है, कभी लगता है रिकंसिलेशन कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, तो कभी लगता है कि इस चीजों को छोड़कर निकल जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप के लिए आपका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ओहो, आपका नेक्स्ट एक्शन,
देखिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी का मैटर है, हो सकता है कि आपके पास कोई बड़ा ऑफर आ रहा हो और इसलिए आप जो ये डिसीजन का कार्ड आया था, कोई किसी को लेकर आप डिसीजन देना चाहते हो, किसी को ऑफर दे रहे हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम बवाल नेक्स्ट सेक्शन में दिखाई दे रहा है। साफ साफ थर्ड पार्टी धोखा हर्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। जब यहाँ इतना बवाल है तो वहां क्या चल रहा है। आपके पार्टनर बहुत गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में, नाराजगी में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो लोग आप लोग मैरिड हैं तो वो चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, गुस्सा होने के बाद भी। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। देखिए अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, ठीक है, तो वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच तो कर रही हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियां चीजें भी निभाना चाहती है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदर का इशू दिखाई दे रहा है, वाइफ का इशू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो माँ बनना चाहती हैं या कोई और मैटर है, किसी तरह की कुछ आपसी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो अगर मैं कहूँ तो आप उनसे नाराज और परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो गुस्से में तो वो भी हैं लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, दोनों एक जगह पर आ जाएं। और अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो ये दिखाई देता है साफ साफ कि आप चाहते हैं यूनियन हो जाए। ये सब कब तक चलता रहेगा? वो अच्छा चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो न्याय चाहते हैं। वैसे वो दिल से आपको सोलमेट ही समझते हैं। किसी किसी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके में मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, धर्म का गैप दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें हैं, हो सकता है कोई आपके पास्ट लाइफ का आकर आपसे कनेक्ट होना चाह रहा हो। तो ये कोई जो पार्टनर है वो पिछले समय का भी पुराना दोस्त हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। अब देखती हूँ इनका भी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन मीन राशि के पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन मीन राशि के पार्टनर का। देखिए कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और हो सकता है कि आप में से किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कुछ मैटर हो गया, तो अभी इस कंफ्यूजन में पड़े हैं, कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा है नेक्स्ट एक्शन में, तो वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद आप ही अब इन चीजों को डील नहीं करना चाहते। चलिए अब मैं देखती हूँ कैरियर के मामले में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। कैरियर के मामले में आपकी एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं आप, और धन के बहुत सारे स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मीन राशि वालों। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि कई तरफ से पैसों का आगमन का आप रास्ता बना सकते हैं, काम कर सकते हैं कैरियर के मामले में मीन राशि। कोई एक नई शुरुआत आप करेंगे काम के मामले में, तो हो सकता है आपका कोई मित्र आपको गाइडेंस दे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलो थोड़ा सा, लेकिन आप का क्या हो रहा है कि आप जोश में आकर होश खोने जैसा काम कर सकते हैं, तो एकदम से आंखें बंद करके जोश में मत चल दीजिए। किसी की बात सुनिए, गाइडेंस लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आकर मुझसे भी कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो गाइडेंस आप ले सकते हैं, मेरे वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कैरियर के मामले में मीन राशि, देखिए डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ, उनका प्यार है, तो काम तो आपका ठीक ठाक अच्छा चलने वाला है इस डेढ़ महीने में। ऑनलाइन कुछ कनेक्शन किसी से दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोग नया जॉब खोज रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर विक्ट्री कार्ड आया है, ठीक है, कुछ मामलों में थोड़ा सा समय लगते हुए दिखाई दे रहा है, डिवाइन आपकी चीजों को फुलफिल करने में लगे हुए हैं, लेकिन पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आया है यहाँ पर विक्ट्री। अब मैं देखती हूँ आपका फाइनेंस का मैटर कैसा रहेगा, पैसे के मामले में ये समय कैसा जाएगा। देखिए पुराने समय में कुछ दिक्कतें हुई थी मनी मैटर को लेकर, लेकिन आपने उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की है, समस्याओं का अंत हो सकता है, लेकिन आपने कुछ प्लान किए थे मनी मैटर को लेकर कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, तो उस पर आपने कुछ स्टेप नहीं लिया है, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस मामले में आपको लोगों का सपोर्ट मिलते हुए भी दिखाई देगा। चलिए अब देखूंगी कि लव गाइडेंस के लिए डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अकेले में सन्नाटे में मत पड़े रहिए, दुखी दिखाई दे रहे हैं, बस सोच रहे हैं दुनिया बाहर खुश है, रंगों में जी रही है, आपने खुद को रंगों से दूर कर लिया है, जीवन में थर्ड पार्टी का मामला साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन कहते हैं अगर किसी तरफ बढ़ना ही है, रिस्क लेना है, तो ठीक है डिसीजन लीजिए, ठीक है। कुछ चीजें अच्छी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ये देखिए आया है लवर्स कार्ड, तो हो सकता है कि अगर आपका जो एक्स था वहां पर चीजें सही नहीं चल पा रही, कुछ भी नहीं, तो जीवन में आगे चलकर
नया प्यार, अच्छा प्यार आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों में मुझे यूनियन भी दिखाई दे रहा है जिनके पार्टनर ठीक ठाक थे और वो आपके साथ आना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिविटी से अप्रोच करना चाहते हैं, तो वहां पे चीजें ठीक की जा सकती है क्योंकि दोनों के बीच में प्यार तो है। चलिए कैरियर के मामले में दो कार्ड निकालूंगी डिवाइन की गाइडेंस। देखिए कैरियर के मामले में सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन कोई कुछ आपके पीठ पीछे छुपा सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है, थोड़ा धोखा कर सकता है, संभाल के रहने की जरूरत है। मनी मैटर के मामले में, पैसे के मामले में थोड़ा संभाल कर चलने की जरूरत है क्योंकि आप दो जगह पर अपने काम और पैसे को बैलेंस करके चल रहे हैं। इस बैलेंस को बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा कि पैसों को दबा के थोड़ा चलना पड़ेगा, ये डिवाइन यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है। चलिए देखती हूँ कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। हेल्थ के मामले में भी आप बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, चीजें हैं जिससे आपको टेंशन मिल रही है, परेशानी है, मन बहुत उदास है, तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। सेहत में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो लोग मैं कहूंगी 80-90 साल के हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए अगर आप अपने किसी घर वाले के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए देख रहे हैं मीन राशि में, तो हो सकता है कि उनके मूव करने का समय हो, ऐसा भी कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। जो लोग ठीक ठाक हैं, यंग हैं, उनके लिए वैसी एनर्जी नहीं है, तो ये अब इस बारे में तो ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, सेहत का ध्यान रखिए। अब मैं आपके लिए जो मन में सवाल बच गया है, लगभग चीजें मैंने आपकी देख ली हैं, अब यस और नो के लिए यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। ठीक है, तो देखिए आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको अपने मन में ले सकते हैं, जिस भी धर्म के अनुसरण करते हैं उनको मान सकते हैं, और मन में ध्यान कीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका जो रह गया उसका उत्तर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि बहुत सारे उत्तर हैं जो आपको नहीं मिल पाते हैं। आप इस तरह की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग्स देखते हैं, कुछ मैच होता है कुछ नहीं मैच होता है, क्योंकि एनर्जी रीडिंग है, ये पर्सनल आपकी एनर्जी नहीं है। ऐसे इस राशि में लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो कभी आपकी पर्सनल जीवन में कोई समस्या है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। टैरोट रीडिंग, लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग करवा सकते हैं। किसी तरह की बात छुपी हुई बात है उसको यहाँ पर निकाला जा सकता है। या आप शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और अगर आपको कुछ नेगेटिविटी है, लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मैं यहाँ पर स्टोन भी अवेलेबल करती हूँ आपके लिए। देखिए ये बुध का स्टोन है, ये शुक्र का स्टोन है, क्लियर कॉर्ड्स है, नेगेटिविटी से बचाता है। ये रुद्राक्ष है, देखिए यहाँ पर मेरे सामने ये देखिए एमेथिस्ट रखे हुए हैं। ठीक है, ये शनि के स्टोन है, माइंड सोल बॉडी सबको कंट्रोल करते हैं। अगर सेहत की समस्या चल रही है जैसा मैंने अभी कार्ड में देखा है, तो आप पहन सकते हैं। मेरे पास केदारनाथ से लाया हुआ बहुत तरह का रुद्राक्ष भी है ओरिजिनल, जो आप धारण कर सकते हैं। अगर नेगेटिविटी आती है क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हैं, नजर के लिए ये स्टोन पहन सकते हैं। ये देखिए सिट्रिन, ये गुरु का स्टोन है। ठीक है, तो आप देखिए वैसे भी जो 12वीं राशि होती है उसके जो गुरु माने जाते हैं, जो ग्रह के गुरु हैं, वो आपके हैं गुरु देवता। तो आप इसको वैसे भी धारण कर सकते हैं अपने लग्न और अपनी राशि को मजबूत करने के लिए। कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी तरह की गाइडेंस है, ये स्टोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये अभिमंत्रित करके मंत्रों के साथ आपके नाम से दिया जाएगा, तो इसके लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर आप पर्सनल ऐसा कुछ चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135551। कॉल के बजाय अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या व्हाट्सअप कॉल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखूंगी कि आपके प्रश्न का उत्तर मुझे मिले। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने अपने मन में सवाल ले लीजिए, मैं कार्ड को मिक्स करके एक उत्तर आपके लिए निकालूंगी। कार्ड बहुत उछल उछल कर गिर रहे हैं, तो कुछ एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए कार्ड अपने आप से गिरा है, दो कार्ड गिरे हैं, तो जो ऊपर गिरा है यस का ही कार्ड आया है, लेकिन कोई थोड़ी सी आशंका इस यस में है। ठीक है, तो देखिए ये फिर से वही डिसीजन वाला कार्ड आया है, तो कुछ तो आपको अपने जीवन डिसीजन लेने की जरूरत है और ये यस का कार्ड आया है। चलिए अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मीन राशि वाले ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़िए, जिससे कि हर महीने आपको अपनी इन सारी चीजों की गाइडेंस मिलती रहे। वो भी देखिए यहाँ पर तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो कुछ मिनिमम फीस होती है, आप अगर दिखा सकते हैं, जैसा मैंने कहा ये स्टोन वगैरह आपको ऑर्डर करना है तो वो सब आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य